जी वेलकम बैक नाजरीन, मैं हूं शाजेब और आप देख रहे हैं गेम्स तक। अभी मैं हाजिर हूं एक डिफरेंट ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ। ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि एफआईआर दर्ज हो गई है। एफआईआर किस पर दर्ज हुई है? मिचेल मार्श के ऊपर। ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर है मिचेल मार्श, उनके ऊपर एफआईआर दर्ज करवा दी गई है। किसने करवाई है? इंडिया ने, इंडियंस ने मिचेल मार्श के ऊपर एफआईआर दर्ज करवा दी है। और इसकी गलती क्या है उसकी कंप्लीट तफसील हम आपको बताते हैं कि सारा प्रोसेस हुआ कैसे और क्यों हुआ है। ये जो वर्ल्ड कप खेला गया था इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया ने वो वर्ल्ड कप वन साइडेड जीत लिया था। और उसके बाद एक बड़ी पिक्चर सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हो गई थी कि मिचेल मार्श ने अपनी एक पिक्चर उतरवाई जिसके ऊपर वो वर्ल्ड कप के ऊपर अपनी टांगे रख के बैठे हुए हैं। इसकी वजह से इंडियन फैंस को ये चीज़ बहुत बुरी लगी। एक तो पहले वो बहुत ज़्यादा डिसहर्ट हुए थे क्योंकि इनकी जो टीम है वो मैच हार गई थी, जो उनकी टीम है वो वर्ल्ड कप 2023 का जो फाइनल खेला गया था वो हार चुके, तो इसकी वजह से वो अपनी टीम पे बहुत ज़्यादा गुस्सा था उनको, और इसके साथ ऑस्ट्रेलिया भी बहुत ज़्यादा गुस्सा था। डेफिनेटली उन्होंने इनको हरा दिया था और वो बहुत ज़्यादा डिसहार्ट थे। उसके बाद उसके एक दिन बाद मिचेल मार्श ने अपनी पिक्चर उतरवाई और सोशल मीडिया पे उसको अपलोड कर दिया। उसके ऊपर बहुत ज़्यादा तबसरा हुआ, इंडियन फैंस भी आपस में मतलब उनकी एक जंग चल गई। कोई कह रहा था ये सही है, कोई कह रहा था गलत है, लेकिन वो उस पर कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। लेकिन आज उस पर एक्शन लिया गया है। एक्शन क्या होगा कि उसके ऊपर FIR दर्ज करवा दी गई है। जो इंडियन एक फैंस था उन्होंने जाके पुलिस में अपना पर्चा दिया है और पुलिस ने उसको एक्सेप्ट किया और उसके ऊपर एक FIR दर्ज करवा दी है। उसकी जो कंप्लीट डिटेल है वो हम आपको पढ़ के सुनाते हैं। क्या लिखा है? एन FIR वाज लॉग्ड अगेंस्ट ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर मिचेल मार्श इन अलीगढ़। यूपी के अंदर बेसिकली ये जो FIR है वो दर्ज करवाई गई है। द कंप्लेंट वाज फिल्ड बाय RTI एक्टिविस्ट पंडित केशव, जिन्होंने करवाई उनका नाम है पंडित केशव। Alleging that March actions of dropping legs on World Cup trophy had offended the sentiments of Indian cricket team fans. ये कहना चाह रहे हैं कि जो इन्होंने अपनी पिक्चर उतरवाई है वो जो इंडियन फैंस हैं उसको बहुत ज़्यादा ऑफेंड कर रही है, उनके जो दिल हैं उसको बहुत ज़्यादा अफसरदा कर रही है कि ये इस तरह से उन्होंने क्यों किया है। कि ये ऐसी ट्रॉफी थी जिसको उन्होंने सर पे उठाना चाहिए था, लेकिन वो क्या कर रहे हैं कि पाँव के नीचे रख के बैठे हुए हैं। तो उसके बाद ही आल्सो फॉरवर्डेड अ कॉपी ऑफ द कंप्लेंट टू प्राइम मिनिस्टर मोदी अर्जिंग दैट मार्श शुड नॉट बी अलाउड टू प्ले क्रिकेट इन इंडिया। और वो कह रहे हैं कि इन्होंने उसकी जो FIR हुई है उसकी एक कॉपी प्राइम मिनिस्टर मोदी को भी भेजी है और उसको ये कह रहे हैं कि इसको बैन किया जाए इंडिया के अंदर, मिचेल मार्श को इंडिया के अंदर बैन किया जाए, वो आगे इंडिया के अंदर आके जो क्रिकेट वो ना खेल सके। अब देखना ये होगा कि इसके ऊपर एक्शन क्या होगा। डेफिनेटली BCCI है, पावरफुल है, तो जो करना चाहे कर सकते हैं, लेकिन आगे ऑस्ट्रेलिया है, देखते हैं कि वो मिचेल मार्श को बैन कर सकते हैं या नहीं। लेकिन अगर एथिकली भी देखा जाए तो मुझे लगता है कि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। एज ए ह्यूमैनिटी एक्सेप्ट कर रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए था कि वो, एक तो वैसे इंडियन फैंस बहुत डिसहर्ट थे कि उनका जो टीम है वो इतना अच्छा कर रही थी, उसके बावजूद तकरीबन 10 साल हो गए उनकी टीम ने एक भी ICC ट्रॉफी नहीं उठाई और उनकी टीम हर दफ़ा सेमीफाइनल फाइनल के अंदर हार जाती है, और इस दफ़ा भी ऐसे हुआ है कि वो फाइनल के अंदर आके हार गई है, और जिसकी वजह से जो उनके जो मोशन से वो बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हैं। तो इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन अब देखना ये होगा कि उसके ऊपर क्या एक्शन लिया जाएगा। मुझे नहीं लगता कि इतना ज़्यादा मसला होगा, ICC इसके ऊपर कुछ इतना ज़्यादा एक्शन लेगा। डेफिनेटली वो ट्रॉफी जीत गए, वो उनकी ट्रॉफी है, वो इसके साथ जो मर्जी करें, पाँव में रखें, सर में रखें, घर में से जाएं, वट एवर दे डू। तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई एक्शन होगा। तो खैर ये थी अभी की जो ब्रेकिंग न्यूज़ है कि उनके ऊपर FIR दर्ज हो गई है। आगे हम देखेंगे इसके ऊपर एक्शन क्या होगा, तो इसकी मजीद अपडेट्स हम आपको देते रहेंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल गेम्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए।